सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल सोपोर के स्टाफ और कोविड मरीजों के अटेंडेंटा विचाले झगड़ा होने का मामला सामने आया है। जानकारी मुताबिक दस दई है कि SDH सोपोर विच कथित पक्षपात का आरोप लगाते हुए कोविड मरीजों के नाल आए अटेंडेंट और स्टाफ विच लड़ाई हो गई। इस झड़प दौरान जनता वालों सिक्योरिटी गार्ड के नाल भी कुटमार कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस वालों झगड़े को शांत करवा के मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। इस दौरान स्थानक लोगों ने दोष लाया कि अस्पताल का अमला अपने रिश्तेदार दोस्तों मेडिकल टेस्ट से कोविड टेस्ट करवाने का पूरा मौका दे रहे हैं, जबकि अपनी वारी का इंतजार कर रहे व्यक्तियों नजरअंदाज किया जा रहा है। इस गल को लेकर ही स्टाफ और मरीजों के अटेंडेंटा विचकार झगड़ा हो गया सी, जिसनु पुलिस वालों शांत करवाया गया। गार्ड को यहाँ लैब कलेक्शन में ड्यूटी पे रखा था, उसका नाम इश्फाक अहमद, वो यहाँ कलेक्शन पे ड्यूटी पे था। यहाँ पे एक मसला हुआ है, जो इनके अपने रिश्तेदार हैं लैब वालों के, ये इनको पहले छोड़ते हैं फोन पे, इनको अपने रिश्तेदार फोन करते हैं, फोन पे ये अपने रिश्तेदारों के फॉर्म भरते हैं, जो यहाँ सुबह से वेट कर रहे हैं पेशेंट अटेंडेंट जिनको यहाँ पे RT-PCR रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाने हैं, लेकिन इनका कोई नहीं सुन रहा है। ये जो लैब वाले हैं इन्होंने यहाँ पे मसला खड़ा किया है, लास्ट पे हमारे सिक्योरिटी गार्ड को पीटा है। ये है हमारा सिक्योरिटी गार्ड, ये सारे लैब वाले इसको पीटने आए, इसको पीटा है, ये उठाया है, वो उठाया है, वो सारे उठाए सजाद अहमद पे मसला हुआ है, आप इनसे पूछे हैंडन टिकट थे अलग तुम खुद मोल के मौजूद तुम कम हम लोक मौजूद दह लड़के लाइन जम्मू तो आफ्ताब अहमद मीर की रिपोर्ट TVNRI।